कश्मीर लव स्टोरी आप आप कह रहे हो इंक्वायरी होनी चाहिए और ये फितर होनी चाहिए इंक्वायरी तो होनी चाहिए दूध का दूध पानी का, का पानी किसका किसका इंक्वायरी होनी चाहिए और इनकी गलती क्या है पंडित भाई इनकी गलती क्या है कि हम तो मुसलमान बन गए हम तो मुसलमान बन गए

बहुत गलत बोला गया है नहीं बहुत गलत बोला गया है माजिद हैदरी आपने क्यों बोला रात गई बात गई टपलू को भूल जाइए भूल जाइए गंजू को भूल जाइए जो वहां पे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ भूल जाइए गिरजा टिक्कू को इनको भूलने की बात करते हो रात गई बात गई खरोच ठीक है ग्यारह सौ लोग मर्डर हुए इलेवन हंड्रेड पीपल ग्यारह सौ लोगों को मारा गया आर एस ए काटा गया रेप हुए ये कहते हैं रात गई बात गई ये है वहां भी सोच और इसी सोच के मैं खिलाफ हूं और इसी सोच के खिलाफ मैं जिंदगी भर लड़ता रहूंगा इस सोच के मैं खिलाफ हूं संबित पात्रा नहीं अमीश भाई आज अनायास ही इस डिबेट में जो असली सोच है कुछ जिहादियों का वो बिल्कुल प्रदर्शित हुआ है आप सोचिए किस डिस्डेन के साथ किस बेशर्मी के साथ कहा गया टीकालाल टिपलू को भूल जाओ भूल जाओ गिरिजा टिक्कू को भूल जाओ नीलकंठ को क्योंकि ये रात गई बात गई और ये जो लोग मजाक और तंज कस रहे ना हमें पंडित भाई वापस चाहिए हमें पंडित भाई वापस चाहिए ये मजाक है ये ये अपने कोर्ट के अंदर हंस रहे हैं ये दिल से हंस रहे हैं ये एक्टिंग कर रहे हैं कि हमें पंडित वापस चाहिए मैं आपको दो उदाहरण देता हूं ये मूवी में दिखाया गया है मैं दो उदाहरण देता हूं आप जानते हैं गिरिजा टिक्कू जिसका नाम आपने अभी लिया गिरिजा टिक्कू एक लैब असिस्टेंट थी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जब माहौल बिगड़ा तो वो समय रहते उसने घाटी छोड़ करके जम्मू में जाके शरण लिया था निकल गई थी जम्मू में अपने कैंप में थी मगर उसकी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी जो 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 मुस्लिम थी कश्मीर की मुस्लिम थी उस बेस्ट फ्रेंड ने उसे फोन किया कि गिरिजा अब माहौल ठीक हो गया है तुम आ जाओ तुम अपनी सैलरी आके ले जाओ गिरिजा बेचारी अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर जान छिड़कती थी अपने बेस्ट फ्रेंड के कहने पर वो कश्मीरी मुसलमान बेस्ट बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड के के घर घर जाती है और उस घर में अपने बेस्ट फ्रेंड ने मिलिटेंट्स को छुपा रखा था कि जब गिरिजा आएगी तो अगवा करके ले जाना गिरिजा को अगवा करके वहां से लिया गया उसके साथ बलात्कार हुआ और उनको आड़ी से सौ से दो भागों में उनके बॉडी को काटा गया और उनके बॉडी को रोड के साइड में डंप किया गया जिसको मूवी में दिखाया गया है। माजिद पुष्कर जी की बहू के रूप में दिखाया गया जी, जी, जी। आप बताइए किस पे विश्वास करें और दूसरा मैं मैं और मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं एक और एग्जांपल देके माजिद भाई इसका उत्तर दें माजिद भाई बीके गंजू बीके गंजू एक इंजीनियर थे बीके गंजू, गंजू के घर के बाहर जब आतंकवादी उनको मारने आए तो उनकी पत्नी ने कहा भाई जल्दी छुप जाओ आप जल्दी छुप जाओ जहां चावल रखा हुआ है उस कनस्तर के अंदर छुप जाओ बीके गंजू अपनी जान के लिए उस कनस्तर में छुप जाते हैं और उनका जो सबसे अच्छा मित्र होता है जो उनका पड़ोसी होता है वो कश्मीरी मुसलमान दिखाता है कि देखो इस कनस्तर के पीछे पत्नी ने छुपाया है गंजू को और आतंकवादी आते हैं और उसे मार देते हैं पंडित आएंगे तो ये माजी ही बताएगा इसे मारो देखिए अमित भाई जो कुछ संबित जी ने कहा अगर वो सच होता तो मेरा सर जो है, है वो शर्म से झुकता नहीं मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैंने कहा देखिए दो चीजें हैं पंडित भाइयों है। के मुतालिक एक तो ये कि मेरे पंडित ये सच नहीं है अमीश भाई हाँ ये सच नहीं है बीके गंजू सच नहीं है अमित भाई कहा ये सच नहीं है मैं इस पे आपत्ति पर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बात बिल्कुल नहीं करना है बात आपने कहा कि ये सच नहीं है किसने कहा ये सच नहीं है ये सच है बीके गेंजुटर टे, टेलीकॉम इंजीनियर थे और जगमोहन का फोन बग ना हो गवर्नर का फोन बग ना हो वो उसके लिए मुस्तैद थे इसलिए उन्हें मारा गया जानना चाहते हैं और उसके बाद उनके बारे में उनके दोस्त को मैंने क्या कहा चावल के तरस्तर के अंदर मारा तो गया तो यस और एक एक उनकी एक पत्नी को बीके गंजू के खून से लगा हुआ चावल खिलाया गया माजी थैत्री का जवाब ले लेते माजी थैत्री और बीके गंजू की बीके गंजू की धर्मपत्नी को बीके गंजू के खून से लसा हुआ चावल खिलाया गया ये सब हकीकत है ये मत कहिए कि ये झूठ है माफी मांगे जो आपने कहा ये सब झूठ है ये सब अक्षरशः सत्य है गिरिजा टीकू सत्य है मेरे पंडित भाइयों की जो पीड़ा है ना वो सत्य है पंडित भाइयों की ट्रेजडी सत्य है उनकी हत्याएं सत्य है उनका दर्द सत्य है आप क्या बता रहे हैं संबित जी मैं आपसे ज्यादा अपने पंडित भाइयों को जानता हूँ लेकिन मैं तीन चीजें कहना चाहता हूँ पे पहली चीज ये कि इस सब के पीछे हाथ किसका था क्या किसी दुश्मन मुल्क का था किसी इस्लामिस्ट फोर्स का था या कि जगमोहन का था इसका फैसला इंक्वायरी करेगी व्हाइट पेपर करेगा पहली बात

जगमोहन जी तो चले गए लेकिन कश्मीर में जार। होगा। जार। 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 कहना होगा तेरा मेरा रिश्ता क्या ला, ला, इला, कश्मीर, ला। कश्मीर हमें चाहिए हिंदू औरतों के साथ और मर्दों के बिना ये नारे लगे थे लाउड स्पीकर कौन चला रहा था कौन फैसला कौन चला रहा था मस्जिद के ओके